मिक्स का, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं इसको, तो बाद में दिखा दूँगा क्या क्या है। पहले थोड़ा सा इसके हम फंक्शन वगैरह देखते हैं। तो अब हम अपने किम्बल को कर लेते हैं डाउन, आई थिंक आपको अभी दिख रहा होगा। तो अब आपको देखो हम बटन दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये इसके सारे मोड हैं यहाँ पे। ये जो है अगर इसको आप जैसे अभी मैंने सेंटर में रखा है, मतलब कि जो अभी 8 GB लाइट जलेगी ना, यहाँ से सेंटर में रखना पड़ेगा हमें। ऑन करने के लिए केवल माउस आपका ऑन रहेगा, और ऑफ, ऑन मतलब कि लाइट नहीं जलेगी, करके दिखाता हूँ। तो उस टाइम पे ब्लूटूथ हमारा कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। और अगर आपको अभी बीच में 8 GB लाइट जलानी है तो हम इसको जैसे सेलेक्ट कर देंगे इस तरीके से, लेट मी चेक, तो अभी लाइट जल गई। अब जो एक बटन इसमें यहाँ पर आपको और दिख रहा होगा, यहाँ से एक तो ये ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के लिए है, अगर इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ब्लूटूथ आपको ऑन हो जाएगा इसमें। और इसको यदि आप प्रेस करते रहते हैं तो यहाँ से 8 GB लाइट हमारी चेंज होती रह रही है। अभी आपको देखो एक मोड दिख रहा है, अब मैं इसमें दूसरा मोड चालू करता हूँ, ये चालू हो गया है। एक बार मोड दिखाएं आपको, देखो ये तो मोड हो गया। अब इसके बाद में ना इसमें साइड में कुछ बटन दिए गए हैं, ये पेज इन पेज आउट के लिए है। तो इसका भी मैं ज़्यादा यूज़ सीख रहा हूँ, मतलब मुझे भी उतना लगा नहीं है। जैसे मैंने कुछ PPT वगैरह खोली थी वहाँ पे इसने काम किया नहीं, पर हाँ जैसे मैंने YouTube चैनल खोला था अपना, जैसे माना कोई मैं वीडियो वगैरह देख रहा हूँ, तो ये इस अगर मैं इसको अप कर रहा हूँ तो ये पुरानी पहली वीडियो इस तरीके से मुझे दिखा रहा था, मतलब कि जो इससे पहले मैंने हम देते ना एक दो चार वीडियो में देख ली पहली कौन सी थी प्रीवियस करके, उस तरीके से इसने काम किया था। बट हाँ ये PPT में या फिर वर्ड वगैरह में काम नहीं कर रहा अभी, तो ये मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अब उसके बाद में इसमें कुछ और चीज़ें आपको दिखाऊंगा इसके साथ में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो ये पुस्तक है इसकी, बाकी ये ब्लूटूथ का है, और ये रहा इसका मेन डब्बा। देखो ये 4-in-1 है, वायरलेस ऑप्टिकल माउस है, ये हो गया। बाकी ये इसको आप ब्लूटूथ भी लगा सकते हो, नॉर्मल जैसे रहता ना, अगर इसमें ब्लूटूथ वैसे नहीं दिया है तो ये आप यहाँ लैपटॉप में। तो ये इसका ब्लूटूथ है, इसको भी आप लगा सकते हो, ये यहाँ नीचे इसमें फिट हो जाता है इस एरिया में। और सबसे अच्छी बात देखो अब इसकी मुझे क्या लगी, ये क्या है, चार्ज वाला है, इसको आप चार्ज कर सकते हो। तो इसमें सी टाइप अपना चार्ज है, ये चार्जर इसके साथ में आपको दिया है, तो ये इसको आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है इसमें। अभी तक क्या था कि नॉर्मल मेरे पास एक दूसरा भी है, उसमें बैटरी लगती है, मतलब कि नॉर्मल सेल लगती है, वो चार्ज वाला नहीं है, तो सेल ही आपको चेंज करना पड़ता है। बट यहाँ पे ये इन्होंने अलग से दे दिया है, तो ये अच्छा लगा मुझे काफ़ी। इसमें जैसे आप गेमिंग वाले हों, कभी अंधेरे में आपने अपना माउस रखा हुआ है, तो इसको आप बढ़िया से यूज इसमें ले सकते हो। जैसे चेंज हम करना चाहें तो अभी अलग अलग प्रकार की चलते रहेगी। अच्छा है काफ़ी, ये चार्ज वार्ज का झंझट भी नहीं है, जो उस तरीके से आप इसका बेहतरीन यूज़ करिए। एक्चुअली ग्रिपिंग भी काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, ठीक है, मतलब अच्छा है, ग्रिपिंग के मामले में भी कोई ख़राब नहीं कह सकते इसको, अच्छा लग रहा है। ये देखो
इसमें आपको हर तरीके के व्यू दिखा दिए हैं, तो कैसा आपको लगा और आपको अगर परचेज़ करना तो ये आप डाल देना, तो मैंने आपको दिखा दिया है, इसके जवाब आप ले सकते हो।